हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आई एम फाइनली इन जर्मनी। तो मेरा कैसा एक्सपीरियंस था, क्या इम्प्रेशन था, सब लोग सब कुछ के बारे में बात करेंगे। बट लेकिन उससे पहले कल हम लोग गए थे उल्म, द बर्थ प्लेस ऑफ अल्बर्ट आइंस्टाइन। तो चलो सबसे पहले उसका एक मैंने एक ब्लॉग बनाया, उसको आपके साथ शेयर करता हूँ। दिस इज द सिटी सेंटर ऑफ द उल्म। यहाँ पे रेलवे स्टेशन से निकलते ही ये सब कुछ है, और यहाँ पे सारी बेसिक नेसेसिटी एंड शॉपिंग के लिए सब कुछ, वी कैन फाइंड इट हियर। तो दिस इज़ द एग्जैक्ट बर्थ प्लेस ऑफ अल्बर्ट आइंस्टाइन। अभी यहाँ पर उसका घर तो नहीं है, बट लेकिन दिस इज़ अ मॉन्यूमेंट विच इज़ क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट। तो इसके बारे में हमारे प्रोफेसर ने, जो कि हमारे स्टोर पर टूर गाइड भी थे, उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है। तो ज़रा उनकी बात सुनते हैं, क्या बोल रहे हो? It's a nice expression. You can say geboren wurde. You understand from English was born. So welcome means you came into the world as a baby. हमारे प्रोफेसर ने बताया था कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने 2 से 3 बार अपनी नेशनैलिटी चेंज करी थी, जिसकी वजह से एट द एंड उससे जर्मन सिटीजनशिप छीन ली गई थी, एंड उसके बाद वो नो मोर ही वाज अ जर्मन सिटीजन। इस तरह की चीज़ें बहुत जगह देखने को मिल जाएगी। दिस वाज टू डिनोट द पीपल हु वर फोर्स्ड टू इवैक्यूएट जर्मनी एंड वाज मर्डर्ड इन जर्मनी। एंड सम सिटीज़ इन जर्मनी डोंट हैव दिस बिकॉज उनको लगता है कि पीपल यूजली वॉक ऑन दिस, तो ये उनकी बेस्टी काइंड ऑफ होगी। दैट्स व्हाई सम सिटीज डोंट हैव, बट मोस्ट ऑफ देम हैव। एंड अगेन फिर हम आगे बढ़े, और वहाँ पे आज उल्म में आज फैमिली डे था, तो यू कैन सी सम एक्टिविटीज इज हैपनिंग हियर एंड पीपल आर सिंगिंग डांसिंग टुगेदर, एंड दिस वाज क्वाइट गुड डे टू रोम इन जर्मनी, स्पेशली ऑन द फैमिली डे एंड इवेंट्स लाइक दिस। Das ist nicht schwer. Erfolgt die grüne Luft bei uns. Heute ist Familientag. Wir sind heute Familie. Und ihr seid auch da. Das haben wir gleich gemerkt. सामने देख रहे हो, ये वर्ल्ड की हाईएस्ट चर्च है। अभी इसके बाद शायद स्पेन में बनने वाली है, पर लेकिन अभी तक के लिए ये अभी तक की सबसे हाईएस्ट चर्च है पूरे वर्ल्ड में। पुराने टाइम पे लोग अपना अनाज इस ऊपर देख रहे हो इधर स्टोर करते थे, और वेंटिलेशन के लिए भी यहाँ पे देखो ये सब विंडोज में, ये सब ये वेंटिलेशन के लिए था। और अभी के टाइम पे यहाँ का पुलिस हेडक्वार्टर है, यहाँ पे देखो आप कितने सारे पुलिस के व्हीकल्स भी खड़े हैं। पहले के लोग यहाँ पे इसी से अपनी बिजली वगैरह बनाते थे, बट लेकिन अभी ये बंद हो चुका है, पर लेकिन उस वक्त ये मेन सोर्स था इलेक्ट्रिसिटी का। और ये उस टाइम के कुछ घर है जिसको अभी रिनोवेट करके बचाया गया है। कुछ घर तो ठीक ठाक है, बट लेकिन कुछ घर फिर भी दरार वगैरह पड़ गई है। This is the union of the the people who were Schiffleute, means boatmen. You know, on the. ये यहाँ की नदी है, और इसकी ये खास बात है, इसके इस साइड, तो जिस साइड हम लोग खड़े हैं अभी, ये साइड जर्मनी का पार्ट है, एंड दी ऑपोजिट साइड दिस साइड दिस is Bavaria. This is the country Bavaria. This is another country. और हाँ भाइयों, जर्मनी में भी एक पिरामिड है, you can see here. तो मैं इसी चर्च की बात कर रहा था जो हाईएस्ट चर्च है, और अब हम इसके अंदर जाने वाले हैं, so let's go.
तो इधर ये लोग अपने चर्च की आर्किटेक्ट के ऊपर बात कर रहे हैं, कितनी फाइन डिजाइनिंग थी एंड ऑल. सो इफ यू वांट यू कैन लिसन. तो अभी हम लोग चर्च के टावर पे जा रहे हैं. वी आर नॉट अलाउड टू द टॉप ड्यू टू कंस्ट्रक्शन वर्क बट वी आर अलाउड टिल द हाफ. तो हम लोग शायद अभी वहीं तक जा रहे हैं. सो लेट्स सी. अरे रो राज भाई. अभी लो. 400 सीढ़ी चढ़ने के बाद हमें क्या देखने को मिला? ये खाली कलूटी बिल्डिंग. इतना पसीना निकाले इस खाली कलूटी बिल्डिंग के लिए. लेकिन ठीक है, बात है. अभी आपको व्यू दिखाता हूँ इधर से.